जी हाँ जी, लग गई रिकॉर्डिंग। अरे इन्हीं गल समझ आ गई। हाँ जी राजे, तो चलो मैं थोड़ा जहा होर आप ओवरव्यू दे दिने हाँ। मोमेंटम संवेग, इनू मोमेंटम नू पी नाल दर्शाया जाता है। किसी भी वस्तु कुल गति, ठीक है जी, मोमेंटम नू पी नाल दर्शाया जाता है, इनू आपां पी नाल दर्शाते हाँ। ठीक है, पी इज इक्वल टू एम इंटू वी, आह इहदा की हुंदा है फार्मूला। ठीक है, ते उस तो बाद गल आ गई इहदे एसआई यूनिट दी। यूनिट मास दे यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी दे यूनिट, ता ए दे यूनिट की बन गए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, ते एह की हुंदी है एक वैक्टर राशि हुंदी है, एह की हुंदी है एक वैक्टर राशि हुंदी है। हाँ जी राजे, इनियां गल्लां समझ आ गईयां राजे, मोमेंटम बारे इन गल्लां समझ आ गईयां। चलो आ जाओ फिर क्वेश्चन दे, पहला क्वेश्चन करो शुरू। चलो एक क्वेश्चन मैं करवांदा, व्हाट विल बी मोमेंटम ऑफ आ स्टोन। राजे वैक्टर का मतलब हुंदा है आपां इहदे विच दिशा नूं काउंट करते हाँ, जदों भी आपां मोमेंटम पढ़ते हाँ तो आपां दिशा नूं काउंट करते हाँ। व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ आ स्टोन हैविंग मास, मास कितना है 10 किलोग्राम, ते वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकंड, ते मोमेंटम कितना होएगा मास इनटू वेलोसिटी, 10 इनटू 2 बराबर 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, अपना की होएगा आंसर होएगा। हाँ जी राजे, इन्हीं गल समझ आ गई। हाँ जी राजे, ਰਾਜੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਕੁਛ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਂ। ਓਕੇ ਦੀਪਿਕਾ ਜੀ, ਲਓ ਰਾਜੇ ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਈਡ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਹ ਰਾਜੇ ਫਸਟ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿਡ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਰਾਜੇ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਤੇ ਆਹ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਪੇਜ ਸੀਗਾ। हाँ जी राजे, चलिए नेक्स्ट। राजे दीपिका जी, चलिए नेक्स्ट। ठीक है जी, चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ भाई, सेकंड क्वेश्चन पे। राजे क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवा देने, प्रैक्टिस दे, टेंशन ना लो। कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ अ बुलेट ऑफ 25 ग्राम। हुन मास कितना है 25 ग्राम, ते वेलोसिटी कितनी है 100। राजे इनी को इंग्लिश पंजाबी एडजस्ट कर लोगे या इना ये भी पंजाबी विच नाल करया करा। चलो आप लिख देने हैं,
हाँ जी, तां मोमेंटम कितना होएगा राजे? एम इंटू वी, 2500 ग्राम, 2500 किलोग्राम। राजे हुण ध्यान दिओ, जिहड़े बच्चे सॉल्व कर रहे ने, आपां कहिंदे आ वी मोमेंटम दे यूनिट की लिखदे आ, आपां लिखदे आ किलोग्राम मीटर पर सैकेंड। हुण आपां नूं तां इत्थे ग्राम दित्ते होए ने, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, समझी ना। हाँ जी बच्चे, समझ आई कुछ? कोई गल राजे, इनी गल समझ आई? हाँ जी सीमा जी, पंजाबी क्वेश्चन भी आपां नूं पंजाबी विच चाहिए ने। चलो राजे, मैं अगे तो कोशिश करांगा क्वेश्चन भी नाल पंजाबी विच होण, ठीक है? सॉरी अज वास्ते राजे, थोड़ा जिहा एडजस्ट करो, ठीक है? तो आपां नूं राजे की करना पैना, एस ग्राम नूं किलोग्राम विच कन्वर्ट करना पएगा। पी इज इक्वल टू 1 किलोग्राम नूं किलोग्राम विच कन्वर्ट करना होवे तां आपां की करांगे, 1000 नाल भाग कर देंगे, गुणा वेलोसिटी किन्नी है 100। दो जुर्मां बेचारियां बड़ियां चंगी होंदियां सी पर कटियां गईयां, क्योंकि लड़नगे तां मरनगे ही मरनगे। 25/100, 2.5। हुण मैं लिख सकदा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, मोमेंटम कितना आ गया 2.5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आह अपना की आएगा आंसर आएगा, ये अपना की आएगा उत्तर आएगा। हाँ जी राजे, समझ आई गल? राजे कोई एक स्टूडेंट भी होवे जिन्हों हाँ चीज समझ ना आई होवे। ओके नीरज शर्मा जी, रिपीट। मैं राजे रिपीट कर देना ही क्वेश्चन, मैं राजे रिपीट कर देने, बेफिक्र रहो तुसी, आप जिन्नी बारी कहोगे उन्नी बारी रिपीट कर दिया करेंगे, कोई चक्कर नहीं है। क्वेश्चन दे विच आपां राजे मोमेंटम कैलकुलेट करना है। हुण आपां नूं इह पता रखियो जी, जदों भी मोमेंटम कैलकुलेट करना है ना, तां पी इज इक्वल टू एम गुणा वी वाला फार्मूला लगना है। पी मतलब मोमेंटम, एम मतलब मास, वी मतलब वेलोसिटी। हुण मोमेंटम दे यूनिट होंदे ने किलोग्राम मीटर पर सैकेंड, आ भी किलोग्राम च होवे ते आ भी मीटर पर सैकेंड, आ तां सही है पर आ सही नहीं है। 25 ग्राम नूं जदों किलोग्राम विच कन्वर्ट करांगे ते 1000 नाल भाग करना पैणा है, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी किन्नी है 100। आ बेचारियां 2 जीरो नाल 2 जीरो कट्टियां गईयां, मगर की बचिया 25/10। 25/10 नूं आपां की लिखदे आ? दो पॉइंट पांच किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, आह का दी वैल्यू आ गई मोमेंटम दी। हाँ जी राजे, हरप्रीत जी समझ आया राजे? हाँ जी क्लियर है राजे यानी चीज? हाँ टाइम राजे आपां नूं चाहिदा भी सैकेंड च है, ते अपने कोल दिता भी सैकेंड च है। चलो राजे अगला क्वेश्चन करो, आह वाला फिर क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन ते है, ते वेखो पता लगदा है की करदे जे। Find down.
अरे पहुंचेगा जी। राजे अगला क्वेश्चन कैलकुलेट द मोमेंटम। आपको पता है मोमेंटम का फार्मूला एम इंटू वी, पी इज इक्वल टू एम इंटू वी। मोमेंटम ऑफ अ बुलेट हैविंग मास 25 ग्राम। हम आपको पता है भी ग्राम सही चीज नहीं है, आपको की करना पड़ना है 25/1000 गुणा 0.1 आ सही है मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1/10 यह बन गया 25/1000 ठीक है। 0.025 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आ गल समझ आई राजे, आ गल समझ आई। ओके पूनम जी, राजे की समस्या आ रही है। ओके राजे आह इन्ना तक समझ आ गया, आह इन्ना तक समझ आया राजे। अच्छा ठीक है राजे, ओके 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 गलत हो गया गलत हो गया। 25/10000 आना है, सही है राजे हुण सही है। ते 0. हाँ सही है राजे, मैनू वो लगे इतने 100 लिखे आया। हाँ सही आंसर है राजे, ठीक है जी ठीक है। हाँ हुण सही है राजे, हाँ जी हुण क्लियर है राजे। हाँ जी हाँ जी राजे, इन्नी गल समझ आई। हाँ जी नेक्स्ट चलिए, चलो अगले क्वेश्चन ते आ जाओ, फिर करो सॉल्व क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन करी चलो, क्वेश्चन वादू, बस आप रोज इवें प्रैक्टिस ही करया करनी क्वेश्चन की, हौली हौली थोनू आने शुरू हो जाएंगे। हाँ जी राजे, ओके मैं पंजाबी बोल के दसदा। द मास ऑफ ए गुड्स लॉरी, मतलब एक बस हैगी 4000 किलो का मास है। द मास ऑफ गुड्स लोडेड ऑन इट इज 20,000, 20,000 उन्दे ते टोटल मास लाद दिता गया है। इफ द लॉरी इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, वट इज इट्स मोमेंटम, ओदा मोमेंटम किन्ना होएगा, वट इज द मोमेंटम। हाँ जी ओदा मोमेंटम कितना होएगा, अड़ताली हजार। चलो कर दे हैं चेक।
हाँ जी राजे, सारा का सॉल्व करके 48,000 आ रहे हैं। हाँ जी सारे का 48,000 आ रहे हैं। चलो मैं सॉल्व करना। चलो आपा की करना है राजे, कैलकुलेट मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला मास गुणा वेलोसिटी। ठीक है जी, मेरे को कहते 4,000 किलोग्राम मास किंदा है बस का। ठीक है, एंड मास ऑफ गुड्स लोडेड ऑन इट इज 20,000 किलो। ते 20,000 आप टोटल मास लाता तो की बन गया 24,000 kg। ठीक है जी, टोटल मास कितना होएगा 24,000 गुणा उनकी वेलोसिटी कितनी है 2। राजे यूनिट जरूर चेक कर रहे हैं, जे किलोग्राम लिखा तो किलोग्राम, मास लिखा तो मास, इंटू 2। ठीक है जी, ये बन गया 24 × 48,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आ इनी गल समझ आई राजे? ठीक है, हाँ जी राजे इनी गल समझ आई? हाँ जी चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन दे आ जाओ फिर। अगला क्वेश्चन आ दा सोखा जा है, जमा सोखा क्वेश्चन, जमा सोखा। हाँ जी राजे, जो आप इन सॉल्व करांगे व्हाट विल बी इट्स मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है जी, मास है 1,000 किलोग्राम, किलोग्राम लिखे तो सही है, ते वेलोसिटी कितनी है अपने को 0.5। 0.5 मतलब 5/10, 1 0 नाल 0 कटेगी ते 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। हाँ जी राजे, सारे का सॉल्व हो गया। हाँ जी राजे समझ आ रहा, ठीक चल रहा है काम। आ जाओ फिर अगले क्वेश्चन ते, हम थोड़ा लेवल उरा परा करते हैं। हुण आपां नूं मोमेंटम गिवन है ते आपां की कैलकुलेट करना है, इहदा मास कैलकुलेट करना है। करो कोशिश लाओ हिसाब दा। हाँ जी राजे हो गया सॉल्व। चलो अपन नूं पता है पी इज इक्वल टू एम गुणा वी हुंदा है। पी दी वैल्यू मोमेंटम 5,000। हाँ जरूर चेक करना है भी किलोग्राम लिखा है नाल,
मास मैनू नहीं पता तो मैं मास नू एम लिख लेना। वेलोसिटी का आपां नू पता है पांच दिती थी, आपां पांच लिख ली, आ पांच इधर आके की हो जाना है डिवाइड हो जाना है, 5000 बटा 5 बराबर एम, ते एम बराबर 1000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आ रहा जे सही है। हाँ सियाने हो गए ने बच्चे, मास 1000 किलोग्राम आऊगा, हुण सही है। बस राजे आही चीज चाहिए है आपां नूं। हाँ जी ओनली किलोग्राम आएगा, हरप्रीत जी बिल्कुल सही। राजे राजे ठीक समझ आ रही है, ठीक न्यूमेरिकल हो रहे ने। हाँ जी राजे सही चल रहा है काम, आ जाओ अगे अगले क्वेश्चन थे। स्टोन अटेन्स आ मोमेंटम ऑफ, राजे हौली हौली पता है राजे थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है। हाँ राजे हौली हौली शुरू कर दिया, फिर आप हौली हौली टाइम वधावांगे, फिर हौली हौली स्पीड भी वधावांगे, हौसला रखो माड़ा जा। ठीक है शुरुआत ते ना हौली हौली टाइम लगता है, कोई गल नहीं आप थोड़ा कर लेंगे, कोई चक्कर नहीं है। एक टॉपिक होएगा, एक भी ना होता अद्धा हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है स्टार्टिंग वाले अगर तुहाडी ते मेरी सही बॉन्डिंग ते सही अटैचमेंट ते सही समझ आनी शुरू होगी ना, ते आपा एक दिन च एक चैप्टर भी कर सकते हैं, पर उहदे वास्ते आपनी थोड़ी बॉन्डिंग सही होनी चाहिए। हाँ जी राजे तां उन्होंने की क्या है, मोमेंटम हैगा एक, मोमेंटम P इज इक्वल टू एम इंटू वी। हुण मोमेंटम हैगा एक, मास वैन इट फ्लाइज विद वेलोसिटी, वेलोसिटी हैगी दो, ते मास आपां नूं पता नहीं, मास किन्ना हो गया एक बटा दो, एक बटा दो किन्ना होंदा है अद्धा किलो मास होएगा, किन्ना मास होएगा अद्धा किलो। ते राजे जिहड़े कमेंट नहीं करदे पे इहदा मतलब इहनां नूं समझ नहीं आउंदी पई, जिहड़े जिहड़े कमेंट नहीं करदे, राजे 28 जने ने ते कमेंट करन वाले सिर्फ 5 जने ने। अजय कंबोज अमन अंकिता बलविंदर दीपिका गुरी हरप्रीत जय जय श्री का कोई कमेंट नहीं आया, जसप्रीत कौर का कोई कमेंट नहीं आया, जसवीर कौर का कोई कमेंट नहीं आया, कंबोज का कोई कमेंट नहीं आया, कमलेश का कमेंट नहीं आया, मनजीत सिंह का कोई कमेंट नहीं आया, मोनिका वर्मा का कोई कमेंट नहीं आया, नीरज के कमेंट आ रहे ने, प्रदीप का कोई कमेंट नहीं आया। राजे कोई इवें ना हाँ ना दसी चलो फिर मैनूं पता चल जाएगा भी आपां सही समझ आ रही है नहीं आ रही। ओके संदीप कौर जी कह रहे हैं सर समझ घट ही आउंदे ने। राजे संदीप जी दसो तो सही कि आपां सिंपल मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। ठीक है जदों भी मोमेंटम वाला क्वेश्चन आवे ना राजे वारां वूरां नूं छड्ड दिओ राजे, पहली दूजी वारी बस हुण कर लो जो कुछ हो रहा है। ठीक है राजे इधर वेखो जदों मोमेंटम आया ना तां जिहड़ियां दो चीज़ां दित्तियां ने उहनां नूं मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ते जे मोमेंटम आप दित्ता होया है तां फिर आपां डिवाइड करना है, 1000 बटा 2 नाल तुहाडा आंसर आ जाणा 500, 1000 बटा 20 दे रख्या है ते वी नाल अपना आंसर आ जाना 50। यह जे मास गिवन है तो वेलोसिटी आ जानी, जे वेलोसिटी गिवन है तो मास आ जाना। ओके साजन कुमार जी सर मैं हाँ जी राजे हाँ राजे नाल नाल ना मैं इसलिए मैं यही जाना भी तुहाडे माइक ऑन होण ते तुसी बोल बोल के दसी जाया करो, नाल तुहाडे हाथ भी चलते रहन, तुसी कापी ते नोट करी जाए जे, पर विच कई बच्चे तंग करदे ने तां करके फिर आपां उवें शो नहीं कर पाते। ठीक है जी आपां कोई उहदी एडजस्टमेंट उवें दी करदे आ भी तुसी बोल के आपदे जवाब दे पाओ। ठीक है जी चलो तां अपने कोल फॉर्मूला हुंदा है एम इंटू वी,
When a bullet is fired from a rifle, its momentum becomes 20 kg/s. If the velocity of the bullet, bullet की velocity हैगी 1000, its mass. हुण आपां mass calculate करना है. ਰਾਜੇ ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਐਵੇਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ m is equal to p by v ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਰਾਜੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿਣੀ ਹੈ 1000 ਬਟਾ 20 ਵਿਚਾਰੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਰੋਲਾ ਪਾਣਗੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਕਟੀਣਗੇ ਕਟੀਣਗੇ 50 ਕਿਲੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਰਾਜੇ 0.2 ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਰਾਜੇ 50 ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਦੀਪਿਕਾ ਜੀ ਰਚਿਤਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ 0.2 ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ वी बटा हजार नहीं करना नहीं करना नहीं करना नहीं करना ओके मैं राजे रिपीट कर दा आजे जी हाँ जी मैं रिपीट कर दा राजे मोमेंटम दा फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी ठीक है हुण उन्होंने मोमेंटम दे दिता है 1000 सॉरी एक मिनट गलत हो गया राजे मैं आप ही ध्यान नहीं देता राजे एक मिनट हाँ गलत हो गया राजे हाँ मोमेंटम कितना है If its momentum becomes 20 kg, हाँ राजे सही सी बेचारे बच्चे आज गलतियां बड़ियां हो रही हैं पता नहीं की चक्कर है If the velocity of bullet की velocity हैगी 1000 What will be its mass? अपा mass calculate करना है तो mass कितना होएगा V बटा 1000 ठीक है जी कटा गया 2/100 आ गया 0.2 किलोग्राम आएगा ठीक है तो जी इस किलोग्राम को अपना ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो मान लो मैं चाहना हाँ रजे आप वैसे ही सोफी बंदे हैं यार पींदे ही नहीं आप क्यों शक कर दे हो उतो सुख नाल वार भी मंगलवार है हाँ जी राजे हुण समझ आ गया ये दस्सो जे माड़ा जिहा इहनूं मैं ग्राम विच कन्वर्ट करना चाहना तां इहदा किन्ना आंसर आएगा राजे आह राजे इत्थों चक्को इत्थों सौखा सौला हो जाएगा 2/100 गुणा 1000 विचारे बड़े चंगे होंदे सी पर कट्टे जाणगे ते 20 ग्राम आएगा राजे किलोग्राम नूं ग्राम दे विच कन्वर्ट करना है राजे 1000 नाल मल्टीप्लाई करना है बस सिर्फ आपां 1000 नाल मल्टीप्लाई करना है ਉਹ 5/18 ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ
ठीक है, अपने को किलोग्राम नू ग्राम में कन्वर्ट करना होए तां हजार नू नाल मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके हरप्रीत जी, राजे केड़ी चीज रिपीट करनी है? आह लाइन तो ऊपर वाला पार्ट के नीचे वाला पार्ट है? राजे हजार नाल हजार नहीं कटे रहना, ध्यान दियो ये सौ है, आह दो बटा सौ है अपने कोल। ठीक है जी, दो आ सौ है ते दो जीरो में कटिया जान गया। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। हाँ जी, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। When a missile is fired from a tank, it gets its momentum of 200 kg meter per second. If the velocity of the missile is 50, what will be its momentum? जे मैथ दी क्लास नहीं है आज, ठीक है, सर नू थोड़ा अर्जेंट काम है, एक दो दिनों वास्ते सर बाहर गए हुए ने, ठीक है। तो हुण ये दसो भी फिजिक्स दे नुमेरिकल हो गए, समझ आने शुरू हो गए फिजिक्स दे नुमेरिकल? एवें रोला पा रखे सी भी फिजिक्स दे नुमेरिकल नहीं आते, ठीक है। राजे हुण उन्होंने पूछा व्हाट विल बी इट्स मास, क्वेश्चन हैगा मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। राजे हौली हौली करोगे ना सारा कुछ हो जाएगा। मोमेंटम किन्ने राजे वेखो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड के नाल है 2000, मास आपा कैलकुलेट करना है, ते वेलोसिटी 50, ठीक है। 2000 बटा 50 बराबर मास, कटिया गया कट कटा के किन्ना आ गया 40, जीरो नाल जीरो काट दे 205 ते कटिया गया, 40 किलोग्राम अपने कोल की आ जाएगा मास आ जाएगा। हाँ जी राजे, क्लियर है नी चीज? हाँ जी, ग्रुप में जे वाले सम पा देना ते प्रैक्टिस हो जाएगी राजे। हाँ हो जाएगी प्रैक्टिस, टेंशन ना ले हो जाए। ओके बस करिए सर, जिवें तुसी कहोगे राजे उवें आपा कर लांगे। राजे 2000 नूं आपा चेंज कादे वास्ते करना? राजे किलोग्राम मीटर पर सैकंड आपां नूं चाहीदे हुंदे ने, जे तां कोई चीज़ इवें है फिर तां आपां
एवे ही रखांगे ठीक है। ते जे किलोग्राम या मीटर या सेकंड तो आगा पीछा कोई चीज है तो फिर आप एवे नहीं करांगे ठीक है जी। चलो एवें दा एक टॉपिक होर करवाना निका रहा बस पंजा मिनटा च हो जाएगा ठीक है। मोमेंटम दे कुछ क्वेश्चन बचे ने अपने कोल ए मैं ग्रुप विच पा देगा ते तुसी सॉल्व कर लियो जे राजे। मोशन चैप्टर दे होर क्वेश्चन सीगे हाँ फुल शीट सेंड करूंगा एक्चुअली वो पंजाबी विच टाइप होए नहीं तां करके मैं सेंड नहीं कीती शीट ठीक है जी। चलो राजे अगे एक छोटा जिहा टॉपिक है टॉपिक दा नाम है फोर्स बल जमा मोमेंटम वाला हिसाब है। मोमेंटम नु आपा की कहा सी संवेग ठीक है। इधर आपा लिख दे सी मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम। फोर्स नु लिख दे आ एफ इज इक्वल टू एम इनटू ए ते ए दा मतलब की हुंदा है बल बराबर पुंज गुणा परवेग। बस इधर आपने कोल की हुंदा है वेग ते इधर की हुंदा है परवेग बस आहा इन्ना ही फर्क हुंदा रे। जो सारियां कैलकुलेशन उधर कीतिया ने उही सारियां इधर करनिया ने ठीक है जी। हुण गल आंदी इंदे यूनिट ओबवियसली गल है आहा चीज बदली ते यूनिट भी चेंज होणगे तां इंदे यूनिट की होणगे। पुंज दे यूनिट किलोग्राम परवेग दे मीटर पर सेकेंड स्केयर ता एदे यूनिट की होंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्केयर ठीक है जी। की होंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्केयर ठीक है। फोर्स की डेफिनेशन आप राजे करांगे जो आप न्यूटन ला पढ़िया था उन्हें एक बार न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो नाल लगवा हो जाएगा ठीक है। फोर्स की डेफिनेशन पढ़ांगे इनर्शिया पढ़ांगे न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन पढ़ांगे हाँ जी राजे। मैं फॉर्मूला रिपीट करना राजे इनू ना पुराने नाल कंपेयर करो। मोमेंटम नू आपा पी नाल लिखते सी फोर्स नू आपा एफ नाल लिखना है। इधर भी मास इधर भी मास इधर एक्सलरेशन ते इधर वेलोसिटी बस ओही फर्क पैना है बाकी सारा सेम है। आ वी एक वैक्टर क्वांटिटी हुंदी सी मोमेंटम एक वैक्टर क्वांटिटी है ते आ वी की हुंदी एक वेक्टर क्वांटिटी होंगी है ठीक है। इन दे यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड इन दे च एक फालतू है ता किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्केयर ते इस दा एक होर नाम हुंदा है इनू कह देंदे ने न्यूटन। फोर्स दे यूनिट दा की एक नाम होर हुंदा है न्यूटन। अजे इहदे बारे थोड़ा होर डिटेल च आपां उदों पढ़ांगे जदों आपां न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़िया। हाँ जी राजे इनी गल समझ आ गई राजे। इना तक किसी का कोई डाउट होवे राजे मोमेंटम समझ आ गया ते फोर्स आ दो टॉपिक समझ आ गए राजे। आज हाँ जी राजे ठीक है जी। चलो ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੇਡ ਬੈਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। हाँ राजे एक न्यूटन दस की पावर पांच डाइन हुंदा है ये अजे आपां पढ़ना है ठीक है जी। ठीक है राजे अज वास्ते इन्ना ही फिर मिलते हैं सवेरे।